नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि हम विंटर में क्या ऐसा करें जो अपनी बॉडी को और वार्म रख पाए और हेल्दी रख पाए और स्ट्रांग रख पाए, क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा सबको कोई ना कहीं दर्द का प्रॉब्लम, कहीं जुकाम, खांसी, सिर में दर्द और बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो हम और ज़्यादा लेथार्जिक हो सकते हैं। तो आज हम क्या बात करेंगे, योगा, आयुर्वेद, फूड हमारा किस प्रकार हमारे को विंटर केयर में हेल्प कर सकता है। सबसे पहले तो विंटर में ऐसे कहते हैं लोग, प्लीज हम रिलैक्स रहें, एक ही साथ में एक जगह बैठे रहें, नहीं, यू हैव टू बी मोर एक्टिव। आप अपने आप को एक्टिव रखिए, एटलीस्ट कोई भी योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉक कोशिश कीजिए। हाँ, अगर आपको सुबह बहुत ठंड लग रही है तो कोई बात नहीं, आप दिन के समय कीजिए, जैसे 10-11 बजे थोड़ी धूप भी आ जाएगी, आपको थोड़ा बॉडी भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगी। आप नाश्ते के 2 घंटे बाद में जैसे वॉक पे निकल सकते हैं, रेगुलर योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, जो आपको पसंद है, कोई भी गेम्स आप अगर खेल सकते हैं तो वो अपने आप को एक्टिव रखिए, ताकि जितना आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे बॉडी में, जैसे जो जठराग्नि बहुत अच्छे से बढ़ी हुई है बॉडी में, जो बल बढ़ा है, सबसे बेस्ट टाइम होता है ये बॉडी को स्ट्रेंथन करने का और बॉडी के जो भी जैसे वेट को अच्छे से कह सकते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और जिनको वेट कम है उनका वेट बढ़ाने के लिए दिस इज द बेस्ट सीजन। कि आप अच्छे से खूब खाइए, देखिए खूब वेजिटेबल्स हैं तो आप उन वेजिटेबल्स को कोशिश कीजिए कि पका कर खाएं। किसी भी वेजिटेबल्स को अगर कच्चा खाएं तो कोशिश कीजिए कि आप फिर दिन में खाएं, ठंड के मौसम में जैसे गर्म वेजिटेबल है, गाजर है, चुकंदर है, शकरकंदी है, आप इनको तो खा सकते हैं, लेकिन बाकी वेजिटेबल्स को जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको आप दिन में हल्का सा गर्म करके लीजिए। कच्चा खाने में क्या होता है कि बॉडी का वाता दोष इस टाइम ऑटोमेटिकली हमारा बढ़ा हुआ रहता है, वो बॉडी में और ड्राइनेस करता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप कच्चा सैलेड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें कोकोनट है, नट्स है, ये सब डाल के यूज़ कीजिए, ताकि जो उसका वाता का जो हम बैलेंस है वो अच्छे से कर पाए। और अब उसके बाद जैसे हमने एक्सरसाइजेस कर ली, हमारा खाना हमने अच्छे से, जो आप अच्छे से और उसमें आराम से, जैसे आप रेगुलर कोशिश कीजिए कि 2 चम्मच देसी घी अपने खाने में इस्तेमाल करें, किसी भी रूप में, दाल में, सब्जी में, जिस भी तरीके से कर सकते हैं। कच्चा खाना, दही वाली चीज़ें खाना थोड़ा सा भी अवॉइड करें, और अगर आप खाना ही चाहते हैं तो दिन में वाले मौसम में खाइए। फ्रूट्स भी जैसे विटामिन सी रिच बहुत अच्छे फ्रूट्स आए हुए होते हैं तो वो दिन में खाइए आप, रात को फ्रूट नहीं खाने हैं। पीच का टाइम होता है जो 10 से 2 का टाइम, जब से ज़्यादा सूर्य सबसे ज़्यादा प्रबल होता है उस टाइम आप खाइए, तो आपको बहुत अच्छे से वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो पाएंगे। अब हमने योगा की बात करी, फूड की बात करी, अब हम बात करें उसकी केयर की, कि हम मसाज कि रेगुलर बॉडी में जैसे ड्राइनेस हो जाती है आपके स्किन में भी, आपके फेस पर, लिप पर, बालों पर, सब जगह, तो कोशिश कीजिए कि वीक में एक बार एटलीस्ट आप कोई भी तेल जो इजीली अवेलेबल हो, तेल सरसों का, तिल का और बादाम का, जो आपको इजीली अवेलेबल हो, जो अच्छे से आपको माफिक आए आपके स्किन के लिए, तो वो आप रेगुलर वीक में एक बार आपको मसाज करनी ही करनी है। जैसे रात को भी आप सो रहे हैं तो अपनी नाक पर, नाभि पर और हल्का सा पगतलियों में तेल मसल के सोइए, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपको नींद भी अच्छी आएगी, बहुत रिलैक्सिंग रहेगा, साथ ही साथ स्किन भी लुब्रिकेट रहेगी और इंटेस्टाइन्स में भी आपको जो कॉन्स्टिपेशन सर्दियों में हो जाता है वो सब नहीं होगा। तो कीप योर सेल्फ एक्टिव, कीप योर सेल्फ हेल्दी फूड, हेल्दी फूड लीजिए एंड कुक्ड एंड हॉट फूड लीजिए, मतलब गर्म गर्म खाना लें तो वो ज़्यादा बेटर है, उसमें अच्छे से घी डालकर लें, साथ ही साथ रेगुलर मसाज करें और अपने आप को फिजिकली मेंटली एक्टिव रखें। तो ये देखिए सर्दियाँ भी आपको ये बहुत मज़ेदार लगेंगी, आप सर्दियों में पूरा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।